एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर तंज कसा। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह ना किसी के भाई ना किसी की जान है, वो तो सिर्फ पड़ोसी मुल्क में आटा महंगा होने से परेशान है। गृह मंत्री ने कमलनाथ को लेकर कहा, कमलनाथ हाथ जोड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने विरोधी पार्टी के नेताओं पर तंज कसा। गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह सिर्फ एक वर्ग विशेष पर नजरें इनायत करने के लिए हैं, पुलिस और संविधान पर सवाल उठाने के लिए हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ना किसी के भाई हैं ना किसी की जान है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान में आटा ना मिलने से परेशान है। अब दिग्विजय सिंह की एक ही वर्ग के लोगों को पत्थरबाज स्वयं ही बता रहे। दिग्विजय सिंह की सीसीटीवी फुटेज आ गए, पुलिस है, कानून, संविधान, आप इन सब पर ही सवाल उठाए दे रहे हो। एक वर्ग विशेष पे नजरें इनायत करने के लिए आप ये सब बोलते रहते हैं, ये समझ में आता है। दरअसल दिग्विजय सिंह न किसी के भाई है न किसी की जान है, पड़ोसी मुल्क के आटा महंगा होने से परेशान है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पार्टी की घोषणाओं के बारे में कहा कि जब इनको 15 महीने का समय मिला तब इनसे कुछ नहीं हुआ, अब आ गए जनता के सामने झूठ बोलने और दुखड़ा रोने। जनता सब जानती है, इन्हें एक सीट भी नहीं देगी जनता। साथ ही गृह मंत्री ने विपक्ष की एकजुटता को लेकर कहा कि ममता दीदी ने ये तो मान लिया कि भाजपा हीरो है और वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर भाजपा को हराना चाहती हैं। इससे बड़ी हंसी की बात क्या हो सकती है, क्योंकि नीतीश तो कब पाला बदल लें इसका पता ही नहीं चलता है और कब किसका साथ छोड़ दें कह नहीं सकते। ये विपक्षी नेता तुष्टीकरण की राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ममता दीदी ने मानी ली कि भाजपा हीरो है, उन्होंने कहा हीरो से जीरो बनाना है, तो हीरो भाजपा है ये तो उन्होंने मान ली। अब जहां तक बाकी के मामले हैं, अब पलटू राम ने बिहार के मुख्यमंत्री ये जिन्होंने बंगाल को आग में झोंक दिया, ऐसी ममता दीदी या हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और एक दूसरे के बाद में दूसरे के प्रदेश में इनका किसी का कोई आधार नहीं। हवा हवाई गठबंधन है ये, मतलब परिश्तों का गठबंधन है, इसलिए इसका कोई भी परिणाम आप नहीं देख पाओगे। गृह मंत्री ने कहा कि कैश परिवहन के लिए सरकार गाइडलाइन बनाने जा रही है और इसका प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। इससे अब प्रशिक्षित जवान तैनात होंगे, वाहन की भी जीपीएस निगरानी की जाएगी, इससे लूटपाट की घटनाओं पर रोक लगेगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।